अरे दोस्तों, स्वागत है आपका पीएस मोटर में। तो आज हम आए हैं द ऑल न्यू इग्निस 2021 के पास। ये इसका अल्फा टॉप वेरिएंट आता है नेक्सा के शोरूम्स में। प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 4.95 लाख रुपीज़ से 7.36 लाख रुपीज़ तक, कानपुर यूपी के हिसाब से एज पर एक शोरूम। और अल्फा मॉडल की ऑन रोड प्राइस है 7,80,000 रुपीज़ ऑन रोड एज पर द न्यू प्राइसिंग। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हम आपको इसमें बताएंगे इसके लेटेस्ट फीचर्स एंड प्राइसिंग अलॉन्ग विद कंपैरिजन विद जीटा एंड अल्फा वेरिएंट्स। तो इंजन स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 1.2 लीटर का वीवीटी पेट्रोल इंजन मिलता है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एआरआई माइलेज है इसका 20.89 km/h। तो इसके फ्रंट से शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको सुजुकी के लोगों के साथ क्रोम फिनिश्ड ग्रिल मिलती है विद सिल्वर डिफ्यूजर। इग्निस की नंबर प्लेट भी आपको यहाँ पे मिलेगी। फॉग लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको LED DRS देखने को मिलेंगे विद प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, और नीचे आपको फॉग लैम्प्स भी देखने को मिलेंगे। काफ़ी शानदार LED DRS आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये केवल इसके टॉप वेरिएंट में ही आता है। अलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे 15 इंचेस के मिलेंगे 2435 mm के व्हील बेस के साथ। और अब इसकी साइड प्रोफाइल की तरफ जाएं तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिरर्स मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स, जो एक काफ़ी यूनिक फीचर है इसमें। कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके टॉप वेरिएंट में, बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स के साथ। ये फीचर आपको इसके टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेगा। रूफ रेल्स भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। और अब इसकी रियर लुक की बात करें तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट्स मिलेगी अलॉन्ग विद रियर वाइपर एंड डिफॉगर। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट सी डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको इग्निस के लोगों के साथ। सुजुकी के लोगों भी आपको देखने को मिलेगा इसमें। और नीचे आपको दो रिफ्लेक्टर्स अलॉन्ग विद सिल्वर डिफ्यूजर देखने को मिलेगा। और ऊपर आपको स्टॉप माउंट हेडलैम्प्स अलॉन्ग विद रेडियो एंटीना एंड स्पॉयलर देखने को मिलेगा। तो ये है हमारी इग्निस की कुछ यूनिक सी साइड प्रोफाइल। तो आइए अब इसके फ्रंट ड्राइवर साइड डोर को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलेगा विद ब्लू फिनिशिंग इन द मिडल। और इसमें आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल लो आर विंग्स मिलते हैं वन टच डोर एंड लॉकल लॉक के साथ। एंटी पिंच पावर विंडोज आपको इसमें मिलेंगी। और इसके स्टेयरिंग में आपको माउंट कंट्रोल्स भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ है LED DRS के कंट्रोल। ओवरऑल इसमें काफ़ी अच्छा इंटीरियर दिया हुआ है इसके टॉप एंड में। और सीट्स की अब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिलेगी, जो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। टॉप मॉडल में ही आपको हाइट एडजस्टेबल केवल सीट्स देखने को मिलेगी। इसके जीटा वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती है। गाइस, अब हम इस गाड़ी के इंटीरियर्स में आ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम इसके इंजन को स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको ऐसा कुछ कैबिन का साउंड सुनने को मिलेगा। और इसकी MID की बात करें तो यहाँ पे आपको बीच में मैनुअली एडजस्टेबल स्पीडोमीटर मिलता है अलॉन्ग विद RPM मीटर। यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को भी कन्वर्ट कर सकते हैं हाई टू लो में। अब स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन को वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे आप इसके MID में भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ आपको नीचे ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है अलॉन्ग विद कॉल कनेक्टिंग एंड डिसकनेक्टिंग। और इसके इन्फो में जाएं तो आपको इन्फो वाली बटन दबाने पे इसमें आपको रेंज, एवरेज स्पीड एंड ड्राइविंग टाइम जैसे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और टच स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो अलॉन्ग विद एप्पल कारप्ले दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं ब्लूटूथ एंड ऑक्स के साथ। टच स्क्रीन यहाँ पे काफ़ी स्मूथ दिया हुआ है जैसा पहले भी था। और व्हीकल के स्टैट्स भी यहाँ देख पाएंगे। अभी जैसे यहाँ हमारी गाड़ी का लो फ्यूल है तो कुछ ऐसे गाड़ी हमारी चल रही है। और यहाँ पे हम जो साइड में बटन देख पा रहे हैं, यहाँ से हम इसके ट्रिपोमीटर्स के कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हैं।
और ये हैं इसके कुछ यूनिक फीचर्स जैसा आप देख पा रहे हैं इग्निस में। अब इसके एसी की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल के साथ एसी मिलता है। टेम्परेचर को भी आप मैनुअली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं लो पे। एसी इसका काफ़ी अच्छा है जैसे हम देख पा रहे हैं, इसका काफ़ी एसी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और नीचे स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स दिखते हैं और ये ग्लो बॉक्स, यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिलता है। ऊपर वैनिटी मिरर की बात करें तो पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा और ड्राइवर साइड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और ये इसका रियर व्यू मिरर। और ये हमारी गाड़ी का सराउंडिंग सिस्टम जैसा आप देख पा रहे हैं, ऊपर ग्रैब हैंडल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसके रियर पैसेंजर साइड डोर को भी ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको बीच में वाइट फिनिश देखने को मिलेगा पावर विंडोज के साथ। और ये हैं इसकी मैनुअली एडजस्टेबल रियर सीट्स। तो डोर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ये पावर विंडोज का कंट्रोल अलॉन्ग विथ सम स्पेस। तो अब इसमें बैठ के भी देखते हैं हम लोग तो यहाँ पे आपको सफिशिएंट लेग रूम देखने को मिलेगा। ये ड्राइवर साइड सीट सबसे पीछे हमने कर रखी थी इसकी। ओवरऑल ये हमारी गाड़ी का, और पीछे आपको पार्सल ट्रे भी देखने को मिलेगी इसके टॉप एंड में। बेस मॉडल्स में पार्सल ट्रे नहीं मिलेगी। और ये इसकी डैशबोर्ड की काफ़ी प्यारी लुक। तो अब इसके बूट स्पेस को भी ओपन करके देखते हैं हम लोग का 260 लीटर्स का बूट स्पेस। और यहाँ पे आपको लाइट भी देखने को मिलेगी, ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पे दे रखा है नेक्सा ने। और नीचे आपको एक R15 साइज का स्पेयर व्हील भी देखने को मिलेगा। तो ये था हमारा वीडियो द ऑल न्यू नेक्सा इग्निस के ऊपर। 2021 वेरिएंट था ये इसका। तो अब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे हिसाब से इसका जीटा वेरिएंट द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि वहाँ पे आपको अल्फा जैसे सारे फीचर्स मिलते हैं, टच स्क्रीन एंड अलॉय व्हील्स, अच्छे अच्छे फीचर्स। बस LED DRLs, आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले, हाइट एडजस्टेबल सीट्स जैसे फीचर्स आपको नहीं मिलते हैं, वरना इसका जीटा वेरिएंट सबसे अच्छा है, जिसका ऑन रोड प्राइस है 7 लाख रुपीज़। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल PS Motor Hub, और आपके लिए हम ऐसे ही वीडियोज़ हमेशा लाते रहेंगे।